मेरे साहब के कोई दूर के रिश्तेदार इस बंगले को बेच रहे हैं ये सुना है मैंने। वैसे आप लोग वहां पर क्यों गए थे? हम वो घर लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां देखा तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। सुनिए जी, अनु नहीं दिखाई दे रही है। अनु 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 कहाँ हो? अनु कहाँ पर है? अनु अनु कहाँ बेटा? अनु 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 सुनो, हम सबको वहाँ वापस जाना होगा। फिर से वापस? अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए ना, तो हमें वापस वहीं पर जाना होगा। बात करने का टाइम नहीं है अभी, चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी चलो। ए, तू पुतली जैसा क्यों खड़ा रहे? चल गाड़ी में बैठ। साहब, शमशान में बुलाओगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन उस घर में मत ले जाइए साहब। अभी तू आया नहीं ना, तो शमशान में ही जाएगा। चल गाड़ी में बैठ। मैंने बोला ना साहब, मुझे माफ कर दो, मैं उस घर में कभी नहीं आऊंगा। ये देख, तू हमारे साथ आया तो जिंदा रहने के चांस बहुत है, अगर नहीं आया तो मेरे हाथों से यहाँ कंफर्म मरेगा। चल आ जा गाड़ी में। मदद करने गया और मैं खुद ही फंस गया, कुछ करना पड़ेगा। साहब एक काम करते हैं, अगर आपको उस घर में जाना ही है तो इधर ही बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, उधर ही सूर्य तेजा स्वामी जी भी हैं। अगर उनसे मिलोगे तो वो सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऑलरेडी तुझे बहुत समझा चुका हूँ मैं, खाली फोकट मेरे गन को काम मत दे, चला जा गाड़ी में। साहब जी आप ही ने कुछ समझाइए ना। ठीक है, चलते हैं वहीं पर। आइए चलते हैं। वो देखो, वही है सूर्य तेजा स्वामी जी। वो लड़का स्वामी है क्या? अरे ऐसे मत बोलो, हाथ जोड़ो माफी मांगो। बेवड़े मुंह तोड़ दूंगा तेरा। स्कूल जाने वाला बच्चा आंख बंद करके यहाँ पर बैठा है, उसे स्वामी कहें? उसको तू सूर्य तेज स्वामी कहता है और हम उसे मान ले, हम क्या तुझे तेरे जैसे दिखते हैं क्या? इसकी बात मत मानो, ये पहले से ही टल्ली है। साहब उनकी उम्र पे मत जाओ, उनका चमत्कार देखो, यहाँ के सभी लोगों को पता है वो क्या है। चलिए धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको, चलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। ये क्या रामू, रास्ते की समस्या को अपने कंधे पे लिए घूम रहे हो? क्या बताऊं स्वामी जी, भूत पिशाच की समस्या में फंसे हैं ना, इसलिए इनको यहाँ पर लेके आ गया। पता नहीं इन आंखों को क्या क्या देखना पड़ेगा, डर लग रहा है स्वामी जी। चलो समय निकला जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रखे निर्जीव शरीर को सूर्यास्त से पहले पंचभूत में दफन करना होगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझसे पहले ये नहीं जा सकता। नहीं माँ, जिद मत करो, अपने आप को संभालो। मरे हुए शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो वो अतृप्त आत्मा रहेगी, वो आत्मा फिर से जन्म भी नहीं ले सकेगी। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ माँ, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है, आज ये गया कल मैं भी जा सकता हूँ। जो बस में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना है, और सोच सोच कर परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अब रोना बंद करो माँ, चलो।
क्या मैं पूछ सकता हूँ अपने गले में क्या पहना है? कोई बात नहीं, मत बताइए। ये मेरे बाबा की पहचान है। जरा विस्तार से बताएंगे? मेरे गांव का नाम कालीपुर। मेरे पैदा होते ही माँ चल बसी। मेरी परवरिश पापा ने ही की। हमारे गांव के दुर्गा देवी के मंदिर में मेरे पापा पुजारी थे। गांव में जादू टोना बहुत ज्यादा चल रहा था। उन दुष्ट शक्तियों से लोगों को बचाने के लिए मेरे पापा माता के मंदिर में श्री चक्र सबके गले में बांधा किया करते थे। इसलिए उनके खिलाफ भड़के हमारे गांव के लोगों ने, उन झूठे लोगों ने, मेरे पापा ने माता के गहने चुराए हैं और मंदिर में बहुत सारे गलत काम करते हैं, ऐसे झूठे आरोप लगाए। ये झूठी कहानी बनाकर गांव की पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर मेरी आंखों के सामने उनको जिंदा जलाया। उस वक्त मैं सिर्फ देखता रहा। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इस झूठे समाज के लिए मेरे मन में घिन है। क्रूरता से भरे हुए, दुष्टता से भरे हुए इस दुनिया में जीना है तो मुझको भी क्रूर बनकर ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैं उस BMW बलराम के पास गया। वो जो बोलता था आंखें बंद करके मैं काम पूरा कर देता था। पीछे देखे बिना मैं आगे चला जाता था। अगर इसके बारे में बोलना है तो इसका कोई भी फायदा नहीं, पर पापा की निशानी है, इसीलिए मैं गले में लटका कर घूमता हूँ। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आपकी जान बची है तो इसी की वजह से। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये सब भगवानों की शक्ति वाला श्री चक्र है। ये जब तक आपके गले में है, कोई दुष्ट शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी पदुकं पूज्यायिनी राजेश्वरी। अच्छा ये बताओ, आप तो इन्हें मारने के लिए आए थे, फिर क्यों बचाया आपने? इसका कारण आपको पता नहीं है, पर ये आपके अच्छे गुण हैं। अब तक आप लोगों को मारते थे और मारने के बाद उस बारे में सोचते भी नहीं थे। मरे हुए के घर का दर्द, परेशानी, संकट, ये सब आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन आज पहली बार इनके बच्चे के मरने के बाद पैदा करने वाले माँ बाप के दुख को आपने समझा है। आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, उन्हीं की वजह से आपने इन्हें मारा नहीं, बल्कि इन्हें बचा लिया। वैसे ये बताइए, मारने वाले आप होते कौन हो? जब समय आएगा तो सब अपने आप। चलिए अंधेरा है। इतना गंदा दिख रहा है?
ये क्या है? ये अलमारी में क्या लगा है? कुछ तो होगा ही, चेक करता हूं। क्या हुआ स्वामी जी? हम वो एक कमरे में बंद हो, लगता है अनु की आवाज है। चाबी खो जाए। अनु, हम अनु एक कमरे में अनु? बंद हो तेरे नैनों के भूल भुलैया में वो भी खो जाए। अमानु, यहाँ पर क्यों बैठे हो? ये सब क्या है अनु? पहले मुझे अनु बुलाना बंद करो। हाँ? मेरा नाम है डायना। क्या है बेटा ये सब? चलो हम घर चलते हैं। अब कौन सा घर? हाँ? ये है मेरा घर। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग सब मेरे घर क्यों आए हो? हे रामू, तू ही इन लोगों को यहाँ ले आया है ना? इस टाइम पे मुझे कॉफी चाहिए होती है, तुझे पता नहीं है क्या? जा कॉफी लेकर आ। तुझे समझ में नहीं आता, जा कॉफी लेकर आ। तूने मेरे पति को भड़काया था ना? मेरे खिलाफ तू मेरे पति को भड़काता था और इसीलिए उसने मेरा खून किया। खून? मैं तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगी। खून? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कौन है ये? उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, चली पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन वरन विराट सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ कौन है तू? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरण सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, प्रकट अंग जड़ावा, भीम रूप दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता। चलिए। आप भी ना, ये क्या है स्वामी जी? मैं इन लोगों की मदद करने गया तो मैं इस चक्कर में खुद ही फंस गया। रामू, जाने अनजाने में उसके मरने का कारण आप ही हो, पर उसे लगता है कि वो अब तक जिंदा ही है। उसे ये घर बहुत पसंद है और कोई भी इसे लेने आएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। अगर आप लोग इस घर में रहने आए तो वो आप लोगों को भी मार डालेगी। लेकिन अनु ने कोई गलती नहीं की, तो वो आत्मा उसे क्यों परेशान कर रही है? किसी भी आत्मा के किसी शरीर में प्रवेश करने के कई कारण होते हैं,
जो भी इंसान भगवान की शक्ति से ज्यादा दुष्ट शक्तियों के बारे में सोचता रहता है, उसके अंदर अपने आप भगवान की शक्ति कम होने लगती है और उसका दिल और शरीर दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करता है और आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा ने अगर शरीर को काबू में कर लिया तो फिर उस आत्मा को निकालकर शरीर को पहले जैसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी आपकी बेटी की वही हालत है। अगर उनके शरीर से आत्मा को बाहर निकालना है तो इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उन्हें यहाँ से वापस लेकर ही जाएंगे। लगता है ये मुझे मार के ही छोड़ेगा। लेके जाएंगे साहब, लेके जाएंगे। आज तो मेरी बलि चढ़ेगी। उस आत्मा को निकालकर आपकी बेटी को अगर मुक्ति दिलानी है तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। मरते वक्त उस शरीर का खून जिन जिन वस्तुओं पर लगा था, उन सभी वस्तुओं को हमें अग्नि में दहन करना होगा और ये काम सुबह 3 बजे से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। और अगर 3 बज गए तो प्रेत आत्माओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे, तब उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। ओम सर्वबंध विमोक्षे नमः। नहीं, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। ओम शुंकर बंध विमोचकाय नमः। पापा, माँ, पापा प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। पापा प्लीज, ये मुझे मार देंगे। पापा प्लीज। रुक जाइए प्लीज। कृपया करके इस हवन के पूरे होने तक दरवाजा मत खोलिए। पापा बाहर निकालिए मुझे प्लीज। अनु।